एक दो चीजें मैं शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ की पहली फेयरवेल है। मैंने आज तक कभी कहीं कोई अटेंड नहीं करी, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी जिले में, तो ये मेरी पहली है। किसी ना किसी बहाने से मैं स्किप कर लेता हूँ, और वही चीज जन्मदिन की भी है। तो जन्मदिन दूसरा, पहला भी छतरपुर में बना था, सटई में, उससे पहले कहीं नहीं बना है। तो काफी मुश्किल है, सभी को इस चीज का अंदेशा भी है, पर ये बहुत सौभाग्य था मेरा, ईश्वर ने इस लायक समझा कि मैं यहां पे आया। एक ऐसी टीम मिली, एक परिवार मिला जो हमेशा रहेगा, हमेशा। कुछ गलतियां रही होंगी, मना नहीं करता, और यहां से जब मैं देख रहा हूं उधर, तो कईयों से माफी मांगने का मन करता है, कईयों का दिल दुखाया होगा। जो मन आया वो बोला, सही, नहीं बोलना चाहिए था, संभावना है, दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए भी, सच किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं। इतना लंबा समय आप लोगों ने मुझे चेला, यहां आवाज से लगा होगा मुश्किल, थोड़ी बहुत कोशिश कर पाए। ईश्वर के बाद, माता पिता के बाद, ईशान, थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर। और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था शुरुआत शायद, पर आपकी वजह से था नहीं, और कुछ होगा भी नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, चिंता भी नहीं है, विल विन एवरी टाइम। तो ये इसके बाद थॉट्स स्ट्रक्चर्ड नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि पीछे देखेंगे तो बहुत कुछ है, और ये सच्चाई है कि आज कितना भी कह दिया जाए, सब कुछ अनकहा ही रहेगा, चाहे वो मेरे मन में आपके लिए सम्मान हो, प्यार हो, एक फ्लैशबैक हमेशा आता रहेगा जिंदगी में। और एक और चीज है कि इतना लंबा मैं कभी कहीं नहीं रहा, किसी शहर में, छोटे से बोर्डिंग, कहीं ना कहीं चीजें बदलती रहीं। एक इकलौती ऐसी जगह है जहां लगभग 3 साल मैंने एक जगह पे बिताए, और ये पता था ये दिन आएगा, इसी का इंतजार भी था, और सही समय पे भी आया है, ईश्वर की इच्छा थी, और इससे अच्छा समय आना शायद मुश्किल था। इसके बाद इंडिविजुअल डिफिकल्ट हो जाएगा बोल पाना, क्योंकि खूबियां समय बहुत हैं, खूबियां हैं, उसका पीछे उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने ये जो पुल ऑफ किया है, इट वॉज ये देश की सबसे अच्छी बाइक रैली थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं छतरपुर में बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में आपका प्रयास था। हम लोग इकलौते हैं देश में, अगर 10 बोरवेल के बच्चे बचे होंगे या 6 बचे होंगे, तो 3 सिर्फ इस जिले के हैं। तो जो सक्सेस है, चाहे फिर वो बागेश्वर धाम का हो, ये सही बात है जितना, या जैसा विक्रम जी ने बताया कि तिरुपति बालाजी में 1.5-2 लाख की भीड़ आती है, और तमाम संसाधन होल्डर जिगजैग के बाद एक नहीं, 3 आईएएस ऑफिसर्स वहां पोस्टेड हैं, 3 एसपी रैंक ऑफिसर्स पोस्टेड हैं मंदिर में। जिला अलग है, मंदिर की व्यवस्थाएं अलग है, हमारे पास आज भी चौकी नहीं है, और हर बार, हर मंगलवार हम जीत के आते हैं उन्हीं कम संसाधनों से और उन्हीं कम लोगों से। तो ये सब नामुमकिन था, जो ईश्वरी कृपा से आप लोगों ने संभव बनाया, मुमकिन नहीं था। कोई जब चुनौतियां आती हैं तो ऐसे लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी वजह से बुरे हाथ से टल जाते हैं। तो जब तक चीजें आसान थी, तब तक इस जिले में, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे से चले गए, पहले शशांक आए, फिर विक्रम जी आए, तो जब चीजें एक्चुअल में मुश्किल,
आप लोगों का भी आना तभी हुआ, इसीलिए सब कुछ आसान था आप ही लोगों की वजह से। आर आई सब आपका बनता है। स्टार्टिंग में रुडोल सर का मैं बताता हूं, तो रुडोल सर कहा करते थे स्टेट का अगर कोई बेस्ट आर आई ऑफिसर है तो वो के पटेल है। मैं एग्री नहीं करता लगभग 6 महीने तक, और काफी तीखी नोकझोंक भी हुई होगी, दिल भी दुखाया होगा, सही, पर आपने गलत साबित किया। नॉर्मली गलत होता नहीं हूं मैं, पर आपके केस में हुआ। और एक्सेप्शनल धनी है, डीपीओ साहब ने किस्सा पूरा नहीं सुनाया था और ढंग से तो बिल्कुल नहीं सुनाया था, तो क्योंकि डीपीओ साहब हमारे एकेडमी में गुरु रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे आसान कर देगा इसे एक्सप्लेन करना। तो हम भी थोड़े मोड़े वकील रहे थे, हम पहुंचे तो पता चला कि एकेडमी में कोई वकील है जो हमें लॉ पढ़ाने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि जहां भिंड की किसी तहसील में घी चोरी होता था तो वहां की ये पैरवी कर रहे थे। तो इन्होंने बोला, माय लॉर्ड, आज तक एक भी मुकदमा नहीं जीता हूं, जितने हुए हैं सब बरी हुए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है, सारे गवाह होस्टाइल हो चुके हैं, इतनी इज्जत रख लो, इसको सजा दे दो, इसका कोई भरोसा नहीं, कल आपके घर में चोरी कर लेंगे। तो ये इनका विनिंग आर्ग्यूमेंट था कि अगर आज आपने इसको सजा नहीं दी तो ये कल आपके घर में चोरी कर लेगा। क्या भूल गए थे, बता नहीं पा रहे थे, पर आपका सफर भी अच्छा रहा, उस घी चोरी का जो पहला आपका कन्विक्शन था, उसके बाद फिर जिला अभियोजन की आपकी जो टीम रही 2020 में 21 में 92% मतलब सीबीआई से ऊपर का कन्विक्शन रेट छतरपुर जिला अभियोजन की टीम की वजह से रहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो दो लाइनें थी, शब्दों को अधरों पे रख के मन का भेद ना खुलो, अधर मतलब होता है होठ, तो शब्दों को जो भी आपको बोलना है उनको आप होठों पे लाके मन का भेद ना खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। तो जितनों को कठिनाई आ रही थी, मुश्किलात आ रही थी, इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वापस से मुद्दा यह है कि बोलना सब पे चाहते हैं और बोलना किसी पे भी नहीं चाहिए। एक एक आप मतलब बहुत एक्सट्रीम, आज जो हम ये बोल रहे हैं कि छतरपुर जिला अगर सक्सेसफुल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रहा है, आपकी मेहनत की वजह से रहा है, आपकी लगन की वजह से रहा है, पुरुषार्थ की वजह से रहा है। अगर आप अपना 100% नहीं देते तो मुझे आज कोई ना जानता यहां के बाहर। शुरुआत, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार इस पर डिस्कशन हो रहा है, आते ही एक किडनैपिंग हुई थी 6-7 साल के बच्चे की, भास्कर तिवारी पिताजी का नाम था, मेरी लाइफ की पहली किडनैपिंग मतलब मैं अपने जीवन काल में से फिल्मों में मैंने किडनैपिंग देखी थी, रियल में कभी ना देखी थी ना सुनी थी। तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्या कैसे करना है वो भी नहीं था, पर कुछ लोगों ने बोला कि यहां पे एक टीम इतनी अच्छी है कि अगर वो प्रयास करेगी तो सक्सेस जरूर मिलेगा। उसमें आज याद भी नहीं है, बहुत बड़ी टीम थी, और उसको अगर एक्सप्लेन करने भी लगेंगे तो भी वो बहुत फिल्मीय है, बहुत अच्छा अनुभव था वो। एक उसके बाद इसमें डांगी साहब रहे, जसवंत रहे, जितने भी लोग हैं वो रहे, फिर मुड़के आप लोगों की वजह से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था आप लोग हैं तो कुछ करने की मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक भरोसा था, एक विश्वास था, हमेशा आपने बना के रखा, इतना सम्मान इतना प्यार आपने दिया इसके शायद मैं लायक नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।